इजरायली सेना गाजा के भीतर तो हमास से जूझ ही रही है, इसके अलावा वेस्ट बैंक और जेनिन जैसे इलाकों में भी हमास ने इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इन इलाकों में हमास ने इजरायली सेना पर कई बड़े हमले किए हैं और ये हमले अभी तक जारी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये लड़ाई इजरायल के भीतर पहुंच सकती है। वो इसलिए क्योंकि इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसको लेकर खुद नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट में दो फाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल बेन ग्विर ने 26 अगस्त 2024 को अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर एक यहूदी मंदिर बनवाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे मुसलमानों को यहाँ पर उपासना का अधिकार है, बिल्कुल वैसे ही यहूदियों को भी यहाँ पर उपासना का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर संभव हुआ तो वो विवादित स्थल के ऊपर एक आराधनालय स्थापित करेंगे। बेन ग्विर ने इसराइल के आर्मी रेडियो से कहा कि इजरायली कानून यहूदियों और मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों में मंदिर पर्वत पर कोई भेदभाव नहीं करता है, जिसे जुडाइज्म में पवित्र और इस्लाम के तीसरे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। मंदिर पर्वत पर नीतियां प्रार्थना समय की अनुमति देती हैं, आपको प्रार्थना करने की अनुमति है, आपको प्रार्थना करने से रोकना गैर कानूनी है। एक यहूदी को प्रार्थना करने से क्यों डरना चाहिए, क्योंकि हमास नाराज होगा। आपको बता दें कि अल अक्सा मस्जिद एक विवादित स्थल है, यहाँ पर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने और यहूदियों को एक सीमित समय में प्रवेश करने का अधिकार है, लेकिन बेन ग्विर के इस बयान से बड़ा फसाद खड़ा हो गया है। खुद इजरायली कैबिनेट के मंत्री मोशे आर्बेल ने नेतन्याहू से बेन ग्विर को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सोच की कमी की वजह से इसकी कीमत खून से चुकानी होगी। उनके गैर जिम्मेदाराना बयान से मुस्लिम देशों के साथ इसराइल का रणनीतिक गठबंधन शक के घेरे में आ सकता है, जिससे ईरान और उसके पिट्ठुओं को फायदा होगा। आपको बता दें कि बेन ग्विर के इस बयान पर हमास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हमास का कहना है कि अगर बेन ग्विर ने ऐसा कोई भी कदम उठाने की जरूरत की तो उसका अंजाम बुरा होगा। हमास ने एक बयान जारी करके कहा है कि बेन ग्विर ने आज सुबह जो खुलासा किया है वो एक खतरनाक घोषणा है, जो अल अक्सा और उसकी अरब और इस्लामी पहचान के प्रति कब्जे वाले शासन की वास्तविक मंशा को दर्शाता है। साथ ही इसे यहूदी बनाने और इस पर कड़ा नियंत्रण करने के उद्देश्य से इजरायल के आपराधिक कदमों को भी दर्शाता है। आपको बता दें कि हमास ने इस बयान के साथ साथ फिलिस्तीनी युवकों से अल अक्सा के बरामदे में इकट्ठा होने का आह्वान किया है, ताकि बेन ग्विर के इस ऐलान का विरोध किया जा सके। इसके अलावा हमास ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी OIC से भी इसे रोकने के लिए गंभीर कदम उठाने की मांग की है। हमास ने अपने बयान में कहा कि अरब और मुस्लिम देशों को अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना जरूरी है। हमास ने अपने बयान में आगे कहा कि इजरायल इस्लामी और ईसाई पवित्रताओं पर जबरदस्त हमले कर रहा है, जिसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए।